हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गला बनाने का बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना है और उसकी चौड़ाई हमें गले की चौड़ाई से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और कपड़े को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें गले को रखना है। ध्यान रखें, गले की चौड़ाई से कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। दोनों तरफ एक एक इंच, इधर की साइड में भी 1 इंच और दूसरी साइड में भी 1 इंच लेंथ भी एक्स्ट्रा ही रखनी है। और रखने के बाद अब हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और जब भी हम सिलाई लगाते हैं, सिलाई हमारी एक ही सीध में आनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। जैसे कि शुरुआत में हम 1/2 इंच से कम कपड़े पर सिलाई लगा रहे हैं, तो उतनी ही हमें लास्ट तक सिलाई लगानी है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। यदि आप कपड़े को कम ज़्यादा करेंगे सिलाई लगाते टाइम, तो इसमें काफ़ी झोल आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी सिलाई लगाएं, सिलाई एक ही सीध में आए, कपड़े को आप कम ज़्यादा ना करें। सिलाई लगाने के बाद अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हमें कट करना है। सिलाई हमने लगा ली है, अब हम इसे कट करेंगे। यदि आप ऐसे सिलाई ना लगा पाएँ, तो आप इसे सुई धागे से कच्चा भी कर सकती हैं, और या फिर आप चौक से मार्क भी करके ये सिलाई लगा सकती हैं। अब ये हम कपड़े को कट कर रहे हैं। कट करने के बाद इसमें हमें कट लगाने हैं। ध्यान रखें, ये कट हम गोलाई में लगाते हैं, ताकि जब हम कपड़े को फोल्ड करें तो फिनिशिंग आ सके। इसके बाद चारों तरफ से हमें 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, और जो हमारा कपड़ा है फालतू, इसे हमें कट कर देना है। सिर्फ हमें 1 इंच ही कपड़ा रखना है चारों तरफ से। अब इसके बाद या तो आप कपड़े को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लें, यदि आप ज़्यादा फिनिशिंग चाहती हैं, तो पहले आप इस पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड कर लें। फोल्ड करके आप सिलाई लगाएंगी इस पट्टी पर, और इस पट्टी को हमें पूरी को ही फोल्ड करना है। और इस तरीके से फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। जब भी हम कोई भी गला बनाएं, किसी भी शेप में गला बनाएं, तो इसी तरीके से आप पहले पट्टी को फोल्ड कर लें, ताकि हम सीधी तरफ से सिलाई लगा सकें। दूसरी बात, इसमें वर्क है। यदि हम सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे, तो हम देखते हुए वर्क को सिलाई लगा सकते हैं। यदि हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते, तो बहुत मुश्किल होती। तो हमने इसलिए पहले पट्टी को फोल्ड कर लिया है। और पट्टी को फोल्ड करने के बाद अब हम इसे ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, सॉरी, इसे हमें पट्टी को बैक साइड में फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। वर्क को देखते हुए सिलाई लगानी है, ताकि हमारी सुई भी ना टूटे और फिनिशिंग भी हमारी अच्छे से आ जाए। तो हमें ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। ये तरीका बहुत ही इजी है, आप ट्राई ज़रूर करें। और ये जो मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से आप कोई भी गला बना सकती हैं। तरीका बहुत ही इजी है, ऐसे ही आप सिलाई लगाएं। यदि आपको सिलाई लगाने में भी मुश्किल हो रही है, तो आप इस पर तुरपाई कर लें। पट्टी को फोल्ड करने के बाद तुरपाई भी कर सकती हैं। गला कंप्लीट है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।